Welcome. This is Apollo Fertility Chandigarh. We are part of the Apollo Hospitals Group. We are happy to share that we have opened our second center in the state of Punjab, and the first in the tri-city of Chandigarh, Mohali. With the 22nd center under the Apollo Fertility banner, we hope to bring the ray of hope and happiness to a lot of couples who are suffering from the cause of infertility. IVF is an area which is looked down upon, but with medical science and the right care and the right guidance, guarantees can be made that happiness can be brought to a lot of couples. At Apollo Fertility, we take pride in combining not just science and technology, but also the best care and compassion that we can provide to the patient in a transparent way. The center is compliant to ART. Guidelines laid down by the Government of India. I am also happy to share that in Chandigarh, we will also be opening our mother and child facility under the banner of Apollo Cradle and Children's Hospital. So this Diwali was the first gift from Apollo Fertility. Next year, around Diwali, we will be inaugurating our Apollo Cradle and Children's Hospital and our second Apollo Fertility Center in the Tri-City area. And this is not all. We are looking to add more facilities in the state of Punjab to bring quality care closer to the people. Thank you. So, introduction de do. हाँ जी. Simple way में आप इसे समझा दीजिए क्या advantage मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या advanced technique है. सामने कैमरे में. ठीक है. नमस्कार. मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल है. मैं अपोलो फर्टिलिटी सेक्टर 22 चंडीगढ़ में कंसल्टेंट हूँ. और आज हम अपोलो फर्टिलिटी का 22वां सेंटर यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं चंडीगढ़ में. फर्टिलिटी या बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ऑलमोस्ट इंडिया में 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इनमें बांझपन की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी फर्टिलिटी सेंटर्स के पेशेंट्स बहुत कम पहुँचते हैं. जो ग्लोबल NHS का सर्वे होता है वो बोलता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है वो डिक्लाइन कर रहा है. लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो रिप्लेसमेंट लेवल जो कहती है सरकार की 2.1 पे हमें मेंटेन करना है फर्टिलिटी रेट, वो फॉल करके 1.6 तक के आ जाएगा 2050 तक के, क्योंकि हमारी इनफर्टिलिटी इतना राइजिंग ट्रेंड में. अब ये राइजिंग ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अल्कोहल, पेशेंट की जो ओबेसिटी है बिकॉज ऑफ द डाइट पैटर्न्स, मैल न्यूट्रिशन, जंक फूड, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन, इन सब के कारण जो फीमेल है उनकी एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेल्स हैं उनके स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है. इसीलिए इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा राइजिंग ट्रेंड में है. और जो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये PCOS की प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है. तो PCOS आपने सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा राइजिंग ट्रेड में है, जिसके कारण अंडे बनने में प्रॉब्लम आती है, अंडे की क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है एंड पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते. दूसरी जो समस्या जो आजकल बढ़ रही है वो एंडोमेट्रियोसिस की है. इसके साथ ही जो इंडिया में हमारे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रॉब्लम है ये पहले से बहुत ज़्यादा है, जो कि हिमाचल वगैरह में अगर हम स्टैट्स देखें तो हिमाचल में प्रिवलेंस अभी भी 2% तक के है ट्यूबरकुलोसिस का. तो अगर हिमाचल साइड के पेशेंट्स को देखेंगे तो ये TB से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, इसीलिए इनको ट्यूबों में प्रॉब्लम या फिर यूट्रस के गर्भाकोश में प्रॉब्लम TB के कारण होती है. तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा बांझपन को बढ़ा रही है पिछले कुछ सालों में. अगर ट्रीटमेंट हम यहाँ अपोलो फर्टिलिटी में हर पेशेंट को यूनिक तरीके से एड्रेस किया जाता है, हर पेशेंट की एक टेलर मेड अप्रोच, एक पेशेंट की पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है. किसी पेशेंट को सिर्फ जनरल मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, किसी को IVF की ज़रूरत होती है. इसके साथ ही हम एडवांस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग. इनके थ्रू जो कपल्स जिनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब बीमारियों से जो पीड़ित रहते हैं कपल, या फिर किसी को HLA मैच डोनर चाहिए होते हैं बेबीज, इन सब में भी PGT PGS को हेल्प करते हैं. तो इन बीमारियों को भी दूर करने के लिए लोग IVF संबंधी ट्रीटमेंट कराते हैं. उसके साथ ही में कैंसर पेशेंट्स को भी आजकल IVF ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो रहा है, वो भी अपने एग स्पर्म एम्ब्रियो प्रिजर्व कर सकते हैं एंड
साथ ही में अगर किसी को अपनी प्रेगनेंसी लेट प्लान करना है, लेट मैरिजेस करने हैं, या करियर के कारण वो अभी नहीं फैमिली प्लानिंग कर पा रहे हैं, तो वो भी अपनी एग्स या एम्ब्रियो या स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ अपोलो में हम एंड टू एंड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओविलेशन इंडक्शन हो, IUI हो, IVF, ICSI हो, या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, जेनेटिक स्क्रीनिंग, इसके साथ में यहाँ पे हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। थैंक यू। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का जो डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का असर पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से ये देखूं कि जो पेशेंट्स हमारे पास हिमाचल से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन बिकॉज वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस इतना प्रेविलेंट है कि पेशेंट में इनफर्टिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स जो हमारे सेंटर में आते हैं, तो वहाँ के पेशेंट के प्रोफाइल में वहाँ देखा गया है कि अंडों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है वहाँ की पॉपुलेशन में, तो ये वहाँ का फैक्टर है। पंजाब हरियाणा में, पंजाब में मोस्टली PCOS बहुत ज़्यादा देखा गया है, एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आने के कारण जो स्पर्म फैक्टर रहता है, जैसे स्पर्म मोर्टिलिटी, इन सब चीज़ों में भी अंतर पड़ रहा है। तो डेफिनेटली डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है फर्टिलिटी में, क्योंकि हमारे जो एग और स्पर्म रहते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ही किसी को है, तो भी वो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे वर्क का हो, चाहे मेंटल हो, चाहे घर का हो, चाहे काम का हो, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज़ इंक्रीजिंग द इनफर्टिलिटी रेट।